भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम चो मजा मा भाई लोग, गैंगस्टर लाइफस्टाइल सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आज बात करेंगा दिल्ली के राउडी दादा की, बोले तो नीरज भवानी आ गई। भाई लोग, नीरज बवाना जो दिल्ली के चर्चित हत्याकांड, बोले तो दिल्ली पुलिस वैन कांड का मुख्य किरदार रहा है। वहीं दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में भी नीरज बवाना और उसकी गैंग ने कई अपराध को अंजाम दिया है। साल 2015 में जब दिल्ली पुलिस ने टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की एक लिस्ट तैयार की, तब नीरज बवाना उस लिस्ट में टॉप पे था। वीडियो ये वही नीरज बवाना है जिसको छोटा राजन को तिहाड़ जेल में ही टपकाने की सुपारी मिली थी। लूट, हत्या, स्मगलिंग, गैंग वॉर, किडनैपिंग, जमीन कब्जा जैसे अनगिनत अपराध का धनी नीरज बवानिया साल 2015 में दिल्ली के मुंडका से पकड़ा गया। तब से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बीड़ू आम लोग के खोपड़े में एक किच बात होएंगी कि बंदा जेल गया तो लाइफ खल्लास, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है। बीड़ू नीरज बवाना को महंगे महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियां बहुत ही पसंद है। वहीं जेल में भी फुलटू फटाक जीतता है। कई बार जेल में से वीडियोज आते हैं, उसमें गैंगस्टर लोग पार्टियां करते दिखते हैं। आजकल जेल में फोन होना आम बात हो चुकी है। भाई लोग, नीरज बवानिया की गैंग के जितने भी तगड़े तगड़े शूटर और गुंडे थे वे सारे आजकल जेल में बंद है। और जेल में भी ये लोग शराब की पार्टियां करते नजर आते हैं। जेलों में जब सर्च अभियान चलता है तब बवानिया गैंग के छोकरे लोग के पास से फोन, अफीन, गांजा मिलता है। ये आम बात हो चुकी है। भीड़ बवानिया गिरोह जेल में फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता है, आए दिन पोस्ट करते रहते हैं। जब ये गिरोह पीसी पे आते हैं तो फुलटू फटाक ठाट मार से आते हैं जैसे कोई फिल्मी हीरो। भाई लोग, एक सच यहाँ भी है कि बाहर से जितनी अय्याशी मस्ती दिखते हैं ना, अंदर से ये लोग इतने ही परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। खैर, नीरज बवाना ने आज रंगदारी, लूट, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में खूब पैसा कमाया। कहा जाता है कि दिल्ली और आसपास के एरिया में नीरज बवाना ने अलग अलग नामों से खूब प्रॉपर्टी बनाई है। ये गिरोह मॉडर्न हथियार रखते हैं जिनकी लाखों में कीमत होती है। जेल में भी टीवी, फ्रिज, फोन इनके पास होते हैं। ये सब तब मुमकिन होता है जब इनके पास खूब पैसा हो, क्योंकि जेल में ये सारी चीजें लाने वाले कोई और नहीं, करप्ट पुलिस वाले ही होते हैं जो चंद पैसों के वास्ते अपना जमीर बेच देते हैं। पहले तो ऐसे गद्दार अफसरों को ही गोली मार दो। अगर अपुन गलत बोलता है तो कोई वांधा नहीं बिड़ू, मगर रक्षा करने वाले ही बेईमान बनेंगे तो अपुन साला बोलेगा, और ऐसा बोलेगा कि आग लगा डालेगा। और एक सच, जेल में इतनी सुख सुविधा मिलती है तो इसकी कीमतें भी बड़ी चुकानी होती है, क्योंकि करप्ट पुलिस वाले भी अपने दम पे कोई भी चीज अंदर लाते हैं तो भाई लोग, उसका दाम भी तो तगड़ा होएगा। और इतना पैसा बिना कमाए गैंगस्टरों के पास कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, अपराध के तौर तरीकों से तो भाई लोग, एक गुंडे को गुंडा बनाने में एक रोल सिस्टम का भी है। जेल में इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं तभी तो ये लोग जेलों में पड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेल में है तब तक सेफ है, क्योंकि वहां ना एनकाउंटर का डर है, ना दुश्मन की गोली का, बस आपके पास पैसा होना मांगता बिल। और हाँ, सब पुलिस वाले भी ऐसे नहीं होते। कुछ गद्दारों की वजह से अक्की पुलिस फोर्स के ऊपर दाग लगता है। तो भाई लोग, और एक बात, इन गैंगस्टर लोग की लाइफ बाहर से जितनी मस्त दिखती है ना, अंदर से इतनी भयानक होती है। तो बस अपराधी मत बनो, और करप्ट पुलिस वाले तुम लोग भी सुधर जाओ। तुम लोग की वजह से आम जनता को बहुत ही दिक्कत होती है। तो फिर चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।